फिर एक ही दिन भिड़ रहे हैं पवन और खेसारी। जी हाँ, पवन और खेसारी के फैंस हमेशा कहते हैं कि इन दोनों में कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम भी हमेशा यही कहते हैं कि इन दोनों में कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर ये दोनों ऐसा काम कर देते हैं कि कंपैरिजन अपने आप आ जाता है। जी हाँ, हम नहीं चाहते कि ये दोनों का कंपेयर हो, लेकिन ये देखिए फिर ये दोनों एक ही दिन एक ही लगभग एक ही सेम टाइम पर ये दोनों अपना गाना लेकर आ रहे हैं। ये बात अलग है कि अलग अलग YouTube चैनल पर, लेकिन जब एक ही टाइम में आप गाना लेकर आएंगे तो कंपेयर कैसे नहीं होगा खेसारी और पवन जी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि क्यों पवन और खेसारी फिर से न्यूज़ में बन गए हैं। पवन बने हैं यार 75 की वजह से, तो सरकार चले बेका की वजह से खेसारी लाल यादव। जी हाँ, दोनों का कल ऑडियो सॉन्ग रिलीज़ होगा और दोनों की ये जो सॉन्ग है काफ़ी बेहतरीन बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, यार 75 की वजह से पवन सिंह कुछ ज़्यादा लाइमलाइट में इसलिए हैं कि इन दिनों काजल राघवानी की खेसारी से खटपट है और खेसारी लाल यादव इस गाने में दिखेंगे अनीशा पांडे के साथ। और दूसरी तरफ वहीं पवन सिंह दिखेंगे खेसारी की इस वक्त की करंट सबसे बड़ी दुश्मन काजल राघवानी के साथ। जी हाँ, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इन दोनों के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। आजकल काजल राघवानी ने खेसारी को अनफॉलो किया है, तो वहीं खेसारी लाल यादव ने भी इंस्टाग्राम अकाउंट से काजल राघवानी को अनफॉलो कर दिया है। ना जाने इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है, अभी तक तो सामने वजह नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से काजल राघवानी पवन और रितेश के साथ लगातार काम कर रही हैं और साथ ही प्रदीप पांडे चिंटू के साथ, तो इस वजह से इन दोनों के बीच खटपट हो चुकी है। ऐसे पवन के साथ काम करने में खेसारी को कोई दिक्कत नहीं है काजल राघवानी से, लेकिन वो रितेश पांडे और प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काम करने को लेकर खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और यही कारण बताया जा रहा है फिलहाल कि इन दोनों के बीच जो मतभेद हुआ है। खैर, बातों की मोड़ को वापस म्यूजिक की तरफ लाते हैं और आपको बता दें कि ये दोनों एक ही दिन गाना क्यों लेकर आ रहे हैं। वैसे बोलबम में पवन सिंह का पंचम हर जगह लहराया, फिर पवन सिंह ने राम की धुन भी बजा डाली और अब इन सब चीज़ों को लोग ये कह रहे हैं कि खेसारी अपना दम दिखाना चाहते हैं, इसलिए खेसारी लाल यादव इस गाने को लेकर आ रहे हैं इसी दिन। वैसे आपको बता दें, खेसारी ने पहले ही इस गाने की अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो 11 तारीख को 6 बजे अपना ये सॉन्ग लेकर आ रहे हैं, लेकिन पवन सिंह ने रात को इस बात की अपडेट दी कि कल सुबह ही वो अपना यार 75 लेकर सॉन्ग आ रहे हैं। अब कौन होगा हिट, कौन होगा अब ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन एक बात है कि दोनों के फैंस को मज़ा भरपूर आएगा क्योंकि ये दोनों के फैंस एक दूसरे का सॉन्ग बहुत इंजॉय करते हैं। आपकी क्या है राय, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।